all colleagues a very happy Sir Syed Day. Assalamu alaikum mighty family. I hope कि आप लोग खैरियत से होंगे and I am also good. Alhamdulillah. तो आज हम अपनी वीडियो का आगाज अकबर इलाहाबादी के इस शेर से करेंगे कि सिधारे शेख काबा को हम इंग्लिस्तान देखेंगे, वो देखें घर खुदा का हम खुदा की शान देखेंगे, वो देखें घर खुदा का हम खुदा की शान देखेंगे। ये शेर अकबर इलाहाबादी ने उस वक्त कहा था जब सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह इंग्लिस्तान जा रहे थे और उनके दोस्त मौलवी इमदाद अली उसी वक्त को हज को जा रहे थे। बरतानिया कयाम के दौरान सैयद अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने अपना बेशतर वक्त वहाँ की मारूफ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गुजारा। उन्होंने काफ़ी सोचने के बाद ये नतीजा निकाला कि सिर्फ तालीम ही आवाम के मिजाज, किरदार और सोच में तब्दीली ला सकती है। तालीम से ही एक तरक्की पजीर समाज की बुनियाद डाली जा सकती है। सैयद अहमद रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए एक नई राह की तश्कील थी। सैयद अहमद रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि वो शख्स गुलाम नहीं जिसको उसके आका ने चंद सिक्कों के इवज खरीद लिया हो, बल्कि गुलाम वो है जो जाहिल है और कौमी हमदर्दी से बेपरवाह है। उन्होंने जहालत को इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। सैयद अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने अदीबों और शायरों को अपनी डगर से हटकर नई राह पर गामजन किया। सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह ने जब मुसलमानों को पढ़ने का मशवरा दिया तो उनको कुफ्र के फतुओं और काफिरों का साथी करार दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और सबको समझा कर रहे कि तालीम मुसलमानों के लिए कितना ज़रूरी है। तालीम की कमी का वो फ़र्क आज तक वाज़ह है और वो आज तक हमारे और दूसरों के दरमियान वाज़ह फ़र्क है। इसी कड़ी में हम एक बात ये भी जोड़ना चाहेंगे कि एक वाकया है, मुहसिनुल मुल्क के यहाँ एक बार सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह ठहरे हुए थे। मोहसिनुल मुल्क कहते हैं कि रात को जब मैं बेदार हुआ तो मुझे दर्द भरी कराहने की आवाज़ सुनाई दी। आगे मोहसिनुल मुल्क कहते हैं कि जब मैंने गेस्ट रूम में देखा तो सैयद अहमद खान बिस्तर पर नहीं थे। मैं बरामदे में आकर देखा तो ज़ारो कतार रो रहे हैं और उनकी हिचकियाँ बधी हुई हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या घर से कोई अनहोनी खबर तो नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि इससे दर्दनाक खबर और क्या होगी कि हमारे बाद की आने वाली नस्लों पर एक बड़ा ही दर्दनाक तबाही आने वाली है और मेरी कौम मेरी इस बात को नहीं समझ पा रही है। मैं देखता हूँ कि एक वक्त ऐसा आने वाला है कि जब वो चाहते हुए भी अपनी औलादों को अंग्रेज़ी तालीम, आला तालीम, असरी तालीम दिलाना चाहेंगे, लेकिन उनसे नहीं हो पाएगा। उनकी रूहें कब्रों में तड़पेंगी ये सुनकर कि उनकी नस्लें तबाही में मुब्तला हैं और उनसे कुछ ना हो सकेगा। ना 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 बाबू। तो फ्रेंड्स, आज हमें और आपको उनकी सालगिरह के मौका पर ये बात फिक्र करने की है कि क्या उनका ख्वाब शर्मिंदे ताबीर हो चुका है या नहीं, क्या हम उनके मकासद को हासिल कर चुके हैं और क्या हम इस कौम की उमंगें पूरी कर चुके हैं जिसने इस तहरीक पर लब्बैक कहा था। अगर ऐसा नहीं तो इस तहरीक को न सिर्फ ज़िंदा रखने बल्कि फ़रोग देने की ज़रूरत है। अगर मकसद पूरा नहीं हुआ तो उसके हुसूल के लिए सही तेज़ करने की ज़रूरत है।
अगर कौम की उमंगें पूरी नहीं होती हैं तो उनको मुकम्मल करने के लिए असर नो कमर बस्ता होने की ज़रूरत है। और आज मुकाबला का दौर है और हमारी कौम को तालीमी और माशी मैदान में बहुत से मसाइल दरपेश हैं। लिहाजा हमको अपने अज़्म को मजबूत करने की ज़रूरत है और अपने कुव्वते बाजू पर भरोसा करके बेदारी अगर हमारी कौम की तरक्की होगी तो मुल्क की भी तरक्की होगी और मुल्क का नाम भी रोशन होगा। और आज हम सबको इस बात पर गौर करने की असल ज़रूरत है कि सैयद अहमद ख़ान रहमतुल्लाह अलैह को सच्ची खराज अकीदत तो ये होती कि आज हम सब ने मिलकर एक इसी तरह या इससे और आला मायार की दूसरी यूनिवर्सिटियाँ भी कायम किए होते। और चलते चलते फ्रेंड्स, हम एक बार फिर आप सबको अकबर इलाहाबादी के पास लेकर चलेंगे कि उन्होंने कहा, मेरी तो बातें ही बातें थी कि सैयद काम करता था, मेरी तो बातें ही बातें थी कि सैयद काम करता था, खुदा शाहिद है बड़ा ही फर्क है कुछ करने वालों और सिर्फ कहने वालों में। कोई कुछ भी कहे पर मैं तो ये कहता हूं अकबर, खुदा बख्शे बड़ी ही खूबियां थी इस मरने वाले में। और माय डियर फ्रेंड्स, हमें बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी लाजवाब शख्सियत के बेटे ने उनको जिंदगी के आखिरी वक्त में घर से बेघर कर दिया था और मरने के बाद कफन के लिए चंदा करना पड़ा था। जिसको अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शब्दों में कुछ इस तरह कहा कि मिटाया ए फलक चुन चुन के तूने अहले दानिश को, मिटाया ऐ फलक चुन चुन के तूने अहले दानिश को कि बाकी रहे न सर सैयद न मुहसिन कौम का मेहदी। तुफ है ए चरखे गर्दां, तुफ है।